रविवार 22 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में टेक्सास के ह्यूस्टन सिटी में हाउडी मोदी नाम के एक मेगा शो में हिस्सा लेंगे। हर तरफ हाउडी मोदी को लेकर चर्चा है। क्या दोस्तों आपको पता है कि आखिर ये हाउडी मोदी क्या है और ये क्यों हो रहा है और इससे किसको क्या हासिल होगा? अगर नहीं तो हम आपको बताते हैं कि आखिर ये है क्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए कार्यकाल में मोदी का ये पहला अमेरिका दौरा है जहां वो संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA को संबोधित करेंगे। UNGA में शामिल होने से पहले वो इस मेगा शो में हिस्सा लेंगे जिसमें करीब 50,000 से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं। देखा जाए तो अमेरिका का ये तीसरा बड़ा दौरा है। इससे पहले मोदी 17 सितंबर 2015 को सिलिकॉन वैली में भी इसी तरह के कार्यक्रम कर चुके हैं। इसी तरह का ये भी एक बड़ा भव्य कार्यक्रम है और कहा जा रहा है कि ये कार्यक्रम भारत अमेरिकी संबंधों को मजबूती देगा। दोनों देशों की संस्कृति और व्यापार पर भी इसमें चर्चा होगी। दरअसल दक्षिण पश्चिमी अमरीका में हाउडी शब्द अभिवादन के लिए यूज होता है। हाउडी मोदी का मतलब है हाउ डू यू डू मोदी। इस मेगा शो में अमेरिका के कई बड़े लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछेंगे, मोदी जी आप कैसे हैं? दोस्तों ये थी इस प्रोग्राम के बारे में जानकारी। अब समझिए इस प्रोग्राम के पीछे की कहानी, आखिर इससे हासिल क्या होगा, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि उस समय इतना बड़ा कार्यक्रम अमेरिका में हो रहा है जब अमेरिका और भारत के बीच कारोबार को लेकर कई प्रॉब्लम्स हैं। कश्मीर को लेकर दोनों तरफ से कई बार बड़ी बयानबाजी हुई है। दोस्तों इसमें शक नहीं कि ह्यूस्टन में रविवार की शाम को जो हो रहा है वो इतिहास में पहली बार हो रहा है, क्योंकि पहली बार इतनी बड़ी संख्या में मोदी के कार्यक्रम में इंडियन अमेरिकियों के आने की उम्मीद है। साथ ही ये भी पहली बार होगा कि कोई अमेरिकी राष्ट्रपति ऐसे कार्यक्रम में शामिल हो जो राजधानी से बाहर हो और जिसे किसी दूसरे देश का प्रधानमंत्री संबोधित कर रहा हो। इस कार्यक्रम को दोनों देशों के बीच उभरते हुए घनिष्ठ आर्थिक सामरिक संबंधों के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन दोस्तों डिजिटल युग की कूटनीति का ये दिखावा बंद कमरे में होने वाली असली और वास्तविक राजनीति के आगे फेल हो जाता है। हकीकत वो है जो बंद कमरों में तय होता है और उसको साधना ही हमेशा से मुश्किल काम रहा है। अगर तात्कालिक स्थितियों की बात करें तो उसे समझने के लिए हमें देखना होगा कि वर्तमान में क्या स्थितियां हैं। वर्तमान में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव होने वाला है और ऐसे में अमेरिका में दूसरे वर्गों से ज्यादा तेजी से बढ़ रही एशियाई समुदाय से मिलने वाले फायदों को अमेरिकी नेता नजरअंदाज नहीं कर सकते। अमेरिका में मौजूद 20% एशियाई समुदाय का झुकाव ज्यादातर डेमोक्रेट्स की तरफ रहा है। इसमें भारतीय समुदाय भी शामिल है। अगर इस समुदाय का थोड़ा सा भी झुकाव रिपब्लिक यानी ट्रंप की तरफ हो जाता है तो ट्रंप को काफी फायदा होगा। हालांकि ये कहना जल्दबाजी होगा कि इस प्रोग्राम से उनको कितना फायदा होगा, लेकिन क्योंकि राजनीति में कुछ भी निश्चित तौर पर नहीं कहा जाता, यानी इस प्रोग्राम से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अपनी राजनीतिक जरूरतों को पूरा करना चाहते हैं। वहीं अगर नरेंद्र मोदी की बात करें तो उन्हें भी अमेरिकी और ट्रंप की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के फैसले के बाद सरकार को शक्तिशाली देशों को अपने पक्ष में खड़ा दिखाना है और पाकिस्तान की राजनीति और कूटनीति की भी हवा निकालनी है। साथ ही इस प्रोग्राम से मोदी का देश और दुनिया में भी काफी कद बढ़ेगा। तो दोस्तों ये सब चीजें हैं जो ह्यूस्टन में हो रही संडे इवनिंग की राजनीति के इर्द गिर्द फैली है। इस वक्त कोई देश अकेला नहीं रह सकता, सभी की अर्थव्यवस्था एक दूसरे से जुड़ी है और वो जितने बेहतर तरीके से कोऑपरेशन करेंगी दोनों देशों को फायदा होगा। अब देखते हैं कि इस प्रोग्राम से दोनों देशों को क्या फायदा होगा। दोनों नेताओं के पास वक्त है कि वो इतिहास रच सकते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के सामने चुनाव है और उन्हें अप्रवासियों के वोट की जरूरत है और हो सकता है इसी को देखते हुए वो कुछ घोषणा भी कर दे। हालांकि हाउडी मोदी दोनों देशों और नेताओं के बीच समान झुकाव वाला मैच है जो किसी भी तरफ जा सकता है, यानी ये घिसे पिटे रवैये से निकलकर दोनों देशों को द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता के महत्वपूर्ण युग तक भी ले जा सकता है। देखते हैं दुनिया के दो बड़े नेता क्या करते हैं और उसका क्या इफेक्ट होता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।